तो भाई ये देखो, ये रावण की हाइट है घाघरे की, और इस वंश को देखो कितना छोटा लग रहा है इसके आगे, लोग कितना चीटी जैसे लग रहा है, जैसे ये देखो मच्छर। भाई ये इस रावण का फेस, भाई ये भाई कितना बड़ा लग रहा है, 0.5 से दिख रहा है। देखो थीम बेस रावण बनाते हैं, थीम बेस रावण नॉर्मल नहीं बनाते, गर्दन वर्दन घुमा तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये रावण ही घुमा सकते हैं। और अब इसकी डिटेलिंग में देखो, चेस्ट इसकी पंप दिख रही होगी अलग ही, और ये रावण की डिटेलिंग जिस तरीके की है, इसका फेस देख लो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप गाइस आप सब अपने घर पे बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। भाई हम आ चुके हैं भाई एक और नई रावण की वीडियो शूट करने। कैसे हो भाई? जिमर भाई आए हैं, जिमर भाई मजा आ रहा है नहीं रावण की वीडियो भाई? रावण की वीडियो में मजा आ रहा नहीं आ रहा तुम बता देना कमेंट्स में। अभी तो वीडियो स्टार्ट ही हुई है भाई वाली, और इससे पहले वाली वीडियो जो जबरदस्त गई होगी हमारी आपने देखी होगी। तो भाई अभी हम आ चुके हैं पांडव नगर से, बहुत डिमांड आ रही थी भाई, यहाँ पे ग्लेस पेपर चढ़ चुका है रावण पे, काम मतलब खत्म होने वाला है ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी आओ वीडियो बनाओ। तो भाई यहाँ का दिखाते हैं, ये रखा हुआ हमारे सामने रावण, ये रावण के पैर हैं, और इसके पीछे इसकी जूती बनाई है ना, जूती है मतलब कंप्लीट नहीं घर इस पर, अभी बनाएंगे लोग। तो भाई ये है, इसका ग्लेस पेपर चढ़ाया है इसके ऊपर, अभी मस्टर्ड कलर का पेपर चढ़ाया है इस पर, अभी इसकी धोती पर भाई कपड़ा वपड़ा भी लगेगा शायद यहाँ पे, तो वो वेलवेट वाला नहीं होता जो वाटर प्रूफ होता वो लगेगा इस पर, तो ये फिर पूरी कंप्लीट हो जाएगी धोती भाई रावण के। तो भाई ये है रावण की भाई छाती, और इसके शोल्डर देखो भाई, ये हमने दिखाया जब न्यूज़पेपर से कवर थे, अभी फिलहाल इन्होंने ग्लेस पेपर लगा ही दिया है मस्टर्ड कलर का, और यही इसकी छाती इतनी बड़ी। ये रावण कम से कम भाई 30 फुट का तो होगा भाई, हाँ 30 फुट का रावण होगा खड़ा होने के बाद, क्योंकि इसकी मुंडी भी बन चुकी है भाई, मुंडी पिछली बार नहीं बनी थी, पिछली बार मुंडी का सिर्फ ढांचा बना था, इस बार मुंडी भी बना चुके हैं लोग। ये देखो मेरे पीछे दिख रही होगी ये दी, अब सही से दिखाया था बाकी, ये देखो भाई ये रावण की मुंडी, इस मुंडी में भाई इन्होंने इसकी मूछें देखो किस तरीके बनाई, किस तरह से मूछें बाहर आ रही हैं भाई, ये देखो पूरी पूरी डिटेलिंग में देखो, इतनी ऊँची चोंच जा रही है और इतनी बाहर आ रखी है मूछें, और ब्लैक कलर की मूछें दिख रही हैं अलग ही, इतना इन्होंने थोड़ा थोड़ा ब्लैक करा, और ये इसके कानों की डिटेलिंग देखो भाई, कान उठ के पीछे की तरफ बाहर आ रहे, देखो कर्व दिख रहा है, इस तरफ कर्व बनाया इसने, इन्होंने इतना अच्छा कान बनाया, देखो अंदर भी दिख रहा है कान अंदर की तरफ जाते हैं। इस साइड से एंगल से देख लो भाई इस बार रावण की मुंडी को, सेम ही है इसकी मूछों पे, देखो अभी तक ये काम चल रहा है ऐसे, और अभी इन्होंने ढक रखा आगे से क्योंकि भाई गंदा ना हो। इस रावण की आंखें भाई इन्होंने बाहर निकाल के बनाई है, तो वो देखो भाई अभी मैं इस तरह से ढंग से दिखाता हूँ, उधर से कवर होती है, ये देखो इस रावण की आँखें ना भाई उठ के बाहर आ रखी है भाई। पांडव नगर के रावण में भाई अलग ही सीन है भाई इनका, ये लोग भाई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, इनके टेक्स्चर और कलर्स पर काम करते हैं, बहुत तगड़े रावण बनाते हैं पांडव नगर के लोग हैं भाई, थीम बेस रावण बनाते हैं, थीम बेस रावण नॉर्मल नहीं बनाते, कोई कुछ देख घूमता हुआ दिखा देंगे कुछ ना कुछ भाई, ये घुमा देते हैं कुछ भी कर सकते हैं भाई, गर्दन वर्दन घुमाते कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये रावण ही घुमा सकते हैं, और ये बड़े खतरनाक बंदे हैं। और एक और चीज़ भाई यहाँ पे इसके रखे हाथ और पैर, ये हाथ हैं क्या है, ये हाथ जुड़ा हुआ और ये एक शील्ड सी रखी है भाई, अब ये पता नहीं भाई थीम बेस रावण में कुछ इनका ये रोल होगा इसका तो मुझे पता नहीं इतना, बाकी हाथ या पैर लग रहे हैं मुझे तो, ये और ये शील्ड लग रही है एक, तो देखो इस तरीके को दिख रही है, अब 1x पे देखो भाई ये कुछ इस तरीके की दिख रही है, यह रावण की मुंडी भाई जो इस तरीके की दिख रही है, अभी कवर हो जाएगी तो हम उसको भाई घुमा के दिखाते हैं, पर अभी कवर नहीं है, बस इतना ही दिखाते हैं, बाकी हम अगले रावण की तरफ चलते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी हर बार यार। फाइनली गाइस हम एक और जगह पे आ चुके हैं हमारे, जो पांडव नगर हमने एक रावण और दिखाया था जिसका सिर्फ कंकाल खड़ा हुआ था, और उस पर फाइनली न्यूज़पेपर चढ़ा चुके हैं लोग, तो पहली चीज़ तो भाई एक छाती चेक करो, पिछली वीडियो में देखी होगी तब इस पर कंकाल बना हुआ था, सिर्फ छाती की दिख नहीं रहा डिटेलिंग, अब इसकी डिटेलिंग में देखो चेस्ट इसकी पंप दिख रही होगी अलग ही, जो उठी हुई चेस्ट दिख रही है ना यहाँ से देखो भाई, तो ये चेस्ट है भाई जिसकी हम बात कर रहे थे, देखो किस तरीके से पंप हुई हुई दिख रही होगी अलग ही, उठी उठी दिख रही है, तो ये है भाई रावण की चेस्ट, और भाई इधर रखे हुए भाई रावण के पैर जो कि जूती कहते हैं इसको, उन्होंने पैर वैर भी रेडी कर दिए जूती पूरी, बस इस पर ग्लेस पेपर नहीं चढ़ा अभी, और ये रावण का मुँह रेडी नहीं हुआ था तो ये भी रेडी हो गया अब, तो इस पर भाई देख लो इस तरह का इसका मुंह का स्ट्रक्चर है। ये रावण की हाइट होने वाली है कम से कम 50 से 60 फुट, क्योंकि भाई इसकी हाइट देख के हमें पता लग गया है, जो कि जिस तरह की धोती बनी हुई है इस तरह की ये बना हुआ, और ये रही भाई इस रावण की धोती, तो धोती इस तरह की कुछ धोती के भाई, अभी तो इन्होंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, सिर्फ यही न्यूज़पेपर ही लगाए हैं, न्यूज़पेपर ही लगाए हैं बस, इन्होंने 50 फुट का रावण है भाई, 50 से 60 जाएगा भाई, बड़ा है यार बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो भाई ये धोती इस तरीके की बनी हुई है कुछ, ये देख लो, तो भाई ये है इस रावण के हाथ भाई, जो कितने मस्कुलर टाइप बनाया देखो, कितने मोटे मोटे हाथ बनाए, जैसे इनका इधर से हाथ जब बाइसेप से मोटा उधर से भी, और बाकी इधर से पतले से, पूरी रियल शेप दी है इन लोगों ने, प्रॉपर रियल शेप दी है रावणों की भाई, मस्कुलर बना रखा। तो भाई ये है पांडव नगर का दूसरा रावण, जो हमने पिछली वीडियो में दो दिखाए थे वही सेम दो रावण दिखाए हैं, वो कवर हो गया ग्लेस पेपर से, ये नहीं हुआ, और बाकी ये है इस रावण की बेल्ट वगैरह,
जिसकी कमर पे बंधेगी और वो शील्ड की हो सकती है आई थिंक, या फिर बेल्ट का हिस्सा हो। चलते हैं गाइस करमपुरा। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन करमपुरा की तरफ। गाइस हम एक और न्यू लोकेशन पे आ चुके हैं, न्यू मोती नगर B1। तो भाई यहाँ पे मिला हमें ये वाला रावण। भाई इस रावण का मुंह चेक करो गाइस, इतना मस्त लगा है। ये इन अंकल और ने बनाए, वाले अंकल है ना, ये अंकल और ने बनाया। तो भाई इस रावण का मुंह देखो, इसके मुंह से देखो, इसकी आंखें देखो, भाई देखो किस तरीके से इस रावण की डिटेलिंग जा रही है, देखो जबरदस्त बनाया भाई। और भाई ये है इस रावण का हाथ और ये इस रावण की छाती भाई, जो कि इस तरीके की बड़ी बड़ी है भाई। ये रावण सबसे ज़बरदस्त है भाई करमपुरा का, और ये फटेगा तो भाई ज़बरदस्त फटने वाला है। और इसे भाई कम से कम 50 फुट का तो होगा ही होगा, इसकी साइज़ देख के हम बता सकते हैं। और इसके ऊपर अभी शायद ताज आएगा इसका, तो ताज जाके इसकी राइट बढ़ जाएगी, और नीचे की अभी वो भी तो आएगी, नीचे की धोती या घाघरा ही बनेगा ना, तो वो भी आएगा। तो अभी कम्प्लीट इतना ही है, जब पूरा कम्प्लीट हो जाएगा एक दो दिन में तो इसको पूरा कवर हुआ हुआ, अगले सफर से लगा हुआ, इसके डिज़ाइन बने हुए पूरा दिखाएंगे। अभी कितना है उतना ही दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई ये देख लो। बाकी ये जगह का लोकेशन का नाम है भाई न्यू मोती नगर B1। जिसको आना हो यहाँ पे आके देख सकते हैं वाले रावण का काम कैसा चल रहा है, और ग्लेस पेपर होने का तो मज़ा ही आ जाएगा, तो तब की तब दिखाएंगे। घाघरा बन रहा है, लुंगी बन रही है, घाघरा बनेगा, घाघरा बनेगा, घाघरा बनेगा भाई इस रावण का। हाँ काम शुरू हो रखा है भाई, दो तीन दिन में, दो तीन दिन में पूरा बन जाएगा। हाँ तो भाई दो तीन दिन में पूरा प्रॉपर रेडी होने वाला, तब आपको रावण दोबारा दिखाएंगे यहाँ पे आके। गाइस हम उसी जगह पे सेम लोकेशन पर ही है, न्यू मोती नगर में B1। तो हम थोड़ा सा और आगे आए तो हमें एक राइट साइड में पार्क दिखा, तो हम उधर भी आए तो हमने देखो भाई इधर तो रावण भाई ग्लेस पेपर से कवर नहीं है, पर जितना कवर है न्यूज़ पेपर से भाई दिख ही रहा होगा मेरे पीछे। ये है इस रावण का मुँह भाई, इस तरीके की भाई डिटेलिंग्स बनाई है इसकी, देखो आईब्रो देखो, और इसकी ये देखो भाई इस तरफ आँख के यहाँ पे हिस्सा देखो, नाक का ये वाला ये, और इसकी मूँछ इतनी बढ़िया, और इसके होंठ देखो भाई फूले फूले मोटे मोटे होंठ। और ये रावण की डिटेलिंग इस तरीके की है, इसका फेस देख लो, कान देखो एकदम बढ़िया से मस्त बनाया। मेरे पे कैमरा करके दिखा रहा है, ये रावण देख लो इसके होंठ देखो और इसके होंठ देखो सेम है बिल्कुल सेम होंठ है दोनों के। तो भाई अभी इस रावण का भाई सबसे मेन चीज जो मेरे सबसे ज्यादा पसंद आया, मैं गुस्ते बोला भाई ओ माय गॉड ये क्या है, ये है रावण का ताज भाई, जो है इस तरीके का कुछ जिस पे तो भाई मस्त लग रहा है एकदम। इसके मुंह से बड़ा ताज है ये वाला, मुझे अलग ही दिखा, मैं बोला ये चीज़ है कुछ अच्छी भाई, यूनिक सी है, बढ़िया सा ताज बनाया इन लोगों ने। और भाई ये इस रावण का घाघरा इस तरीके का बना है कुछ, इस घाघरे के भाई स्टार बना है, इसके ऊपर कवर ओवर करेंगे तब इतना प्यारा लगेगा ये रावण, पूछो मत भाई ज़बरदस्त। और भाई सब छाती के बिना तो रावण अधूरा है, इसको देखो ना शोल्डर वोल्डर देखो इसके, इसके अंदर भाई न्यूज़पेपर वगैरह रखा है, इसमें रखा है न्यूज़पेपर रख रखा है, इसमें क्या जैसे आगे निकल रहे हाथ वैसे पीछे भी निकल रहा है, डबल साइड मतलब दो हाथ आगे दो हाथ पीछे, सेम हाँ दो हाथ आगे दो हाथ पीछे भाई। वो इस पर कबूतर बैठे हैं रावण छाती पे, कबूतर उतर बैठे हैं, दो मुंह भी थे उससे। ये कह रहा पिछले साल बना था एक रावण जिसके भाई दो हाथ आगे दो हाथ पीछे, मतलब आगे भी छाती के दो हाथ पीछे भी, रावण दहन वाली वीडियो के एंड में है। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें। तो ये वाला रावण भाई कुछ इस तरीके का बना हुआ है, इसका भाई मुंह तो अभी हम पता नहीं लगा किस तरीके का, एक ही बना हुआ है, एक मुंह और रखा हुआ है यहाँ पे, वो भी दिखा देता हूँ। पहले छाती पूरी कवर देख लो भाई, आगे पीछे घुमा के दिखा देता हूँ, छाती मस्त है यार, ये देख कबूतर भाग गए उड़ के, छाती मस्त बनाई है इन्होंने भाई, सही बनाया एकदम। ये भी 50-60 फुट का रावण है, इसकी छाती पूरी प्रॉपर पीछे से घुमा के दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई, भाई डिटेलिंग में काम करते हैं बंदे, देखो पूरे शोल्डर नीचे तक आ रहे हैं। और ये भी घाघरा रखा हुआ है, आधा आधा इस तरफ रखा, और एक ताज और रखा है यहाँ पे, ये देख ये ताज पता नहीं भाई कौन से रावण का, दो दो ताज बना रहे शायद, ये दो ताज क्यों बनाएंगे पागल है, दूसरे रावण का होगा एक वो रावण। अबे ये इसका है ही नहीं ना, ये देख कितना बड़ा है वो, उसके साइज का तो वो है ना, ये तो और बड़ा है, ये पता नहीं किस रावण का बनाएंगे शायद, एक रावण और शायद, या तीन रावण बना रहे हो सकता है भाई, पर हमें जितना दिख रहा है उतना दिखा रहे हैं, पर ग्लेस पेपर कवर नहीं है, शायद दो दिन में हो जाए तो भाई इसको भी दिखा देंगे, उसको भी दिखा देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे भाई, चलो भाई। भाई एक और जगह पे आए हम न्यू मोती नगर में ही, वही सेम ब्लॉक सेम जगह, इधर एक और रावण मिल गया हमें, तो हम इसको भी दिखा रहे थे कवर करते हुए, चलते हैं ना भाई। ये रावण है भाई, इसके लिए कुछ मुँह बना रखा है इन लोगों ने, इसका ताज ऊपर लगेगा, अभी इसका मुँह तो बहुत अलग है यार, मस्त बनाया यार इन्होंने तो, लगी थोड़ा चौड़ा सा मुंह है इनका, छाती जैसा हाँ। तो ये इसकी मूछे ऊँचे और इसके कान ऐसे से, और भाई इसकी छाती दिखा देता हूँ एक बार, ये भाई इस रावण की छाती जो इधर रखी हुई है, इस तरह की छाती बनाई है, इस तरह का रावण का मुंह है, दोनों चेक कर लो भाई दोनों साइज में बड़े बड़े, ऐसे लग रहा है छाती और मुँह दोनों सेम साइज़ का है, पर रावण का फेस अलग है थोड़ा,
ध्यान से देखो, डिटेलिंग अच्छी है, पर रावण के फेस कैसा लग रहा है? पुराने जमाने को नहीं होता वैसा सेम फेस बनाया उन्होंने। की आँखें देखो भाई, आँखों में भी निशा भर के लगाया, नाक भी देखो अलग से मोटी सी बना दिया। अभी इसके होठ प्रॉपरली रेडी नहीं है शायद, इसके होठ इतने रखने वाले हैं, इतने मोटे हैं ना, इतने रखने वाले शायद। चले भाई नेक्स्ट लोकेशन पे। चलो भाई, तीन रावण हो गए, तीन रावण कंप्लीट भाई, न्यू मोती नगर करमपुरा की तरफ। तो चलते हैं अगले लोकेशन पे, एक ही लोकेशन में तीन तीन दिखा। ये वही जगह जहाँ पे हम पिछली बार भी आए थे और पिछली वीडियो में भी आए थे यार, पिछले से पिछली वीडियो में। तो ये जगह पे भाई इधर उतना काम नहीं हुआ, बस इस छाती पे ग्लेस पेपर चढ़ गया, तो इससे आपको उसी शेप दिखने को मिल रही है। ये सही की छाती देखो ऊपर से, नीचे इसके हाथ देखो इस तरीके में, बस इसमें बस आप कुछ देख ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे, बस इसकी छाती पे ग्लेस पेपर लगा, ग्लेस पेपर कह रहा हूँ, न्यूज़ पेपर लगा हुआ है छाती पे, बस कुछ नहीं लगा, हाँ तगड़ा लग रहा है भाई। मैं बोल रहा था इस पर ग्लेस पेपर नहीं, न्यूज़ पेपर चढ़ा दिए, थोड़ा भाई बर्ड से फंबलिंग हो जाती है, इसको संभाल लेना। बाकी इसकी आँखों में क्या चला गया, मैं पसीना जा रहा है। अबे अब तो तेरे को सही टाइम पे लाया हूँ, सुबह 6 बजे वीडियो बनाने ला रहा हूँ, दो चार दिन में हो जाएगा ना रेडी, चलो ठीक है भाई। एक बार एग्जैक्ट लोकेशन बता दो और भाई हम बजे था सुबह 6 बजे निकले थे वीडियो बनाने, पर अभी सुबह के भाई 7, 7:30, 8 हो जाते हैं, धूप भी हो चुकी है ना, तो काफी भाई सुबह 6 बजे निकलते हैं वीडियो बनाने और घर पहुँचते कब है, 4 बजे शाम को, सुबह 6 बजे निकल के शाम को 4 बजे घर पहुँच रहे हैं। मम्मी और बोलती कैसा काले पीले हुए घर पहुँच रहे तुम लोग। ये रावण भाई 60 फुट तक का जाएगा और अभी 2 दिन बाद रेडी हो जाएगा प्रॉपर, तब इसकी वीडियो बनाने आएंगे, क्योंकि अब तो 4-5 दिन तो दशहरे में ही बचे हुए भाई। ये तुम्हारे भाई ने डंडी छुड़ा ली चोर तो बचपन से है भाई। ये मस्जिद के पास की तरफ हम आए, इधर की नई लोकेशन है। अब यहाँ पे भाई करमपुरा में ये रावण रखा हुआ है एक, यहाँ पे इसकी भी हाइट कम से कम 50 फुट वाली होगी आराम से, ये 50-60 फुट की हाइट वाला रावण है। इसका फेस दिखाता हूँ बस, कि फेस देख के आप लोग पहचान जाना भाई, जिसको आना वो देख लेना, फूटते हुए भी देख लेना। ये है भाई इस रावण की मुंडी, इसके मूँछों को देख लो भाई किस तरह का डिज़ाइन बनाया। ये मुंडी भी कम से कम 12-13 फुट की है, 15 फुट की मुंडी है ये, तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन है। हाथ कान देख लो, मुंह देख लो, अब इसके पूरा प्रॉपर रेडी नहीं, ग्लेस पेपर ना लगा इस पर भी जब लगेगा। और आँखें भी देखो भाई, आँखें इसकी बढ़िया बन रही है एकदम। हम आ चुके जैन बुगड़ी पोर्ट के सामने वाली गली में, जो भाई रावण था भाई वो उसकी देखो छाती का रेडी हुआ था कंकाल, अब उसके ऊपर ये सिर्फ न्यूज़ पेपर चढ़ा है, तो हम आपको न्यूज़ पेपर दिखा देते हैं। इस पर ज़्यादा काम हुआ नहीं है, जितना हुआ है मैं दिखा देता हूँ बस भाई, तो इतना ही हुआ अभी इस पर काम। इसकी बस छाती बनाई है अभी तक इन्होंने, और बाकी अभी इसका मुंह बन रहा है, अब नाक में उंगली को दे रहा है, अब इसका मुंह इन्होंने कंकाल रेडी करा है इसका, ज़्यादा काम नहीं किया इन्होंने अभी, इतना ही काम हुआ इस रावण का भाई, तो इतना ही देख लो, जब इस पर हो जाएगा 1 या 2 दिन में तो फिर आगे का दिखाएंगे। तो भाई इतनी मेहनत के बाद आ चुके हैं हम छोले कुलचे खाने के लिए, पटेल नगर के फेमस कुलचे भाई। इतनी मेहनत करिए वीडियो बना बना के सुबह सुबह, तो कुलचे खाना तो बनता है ब्रेकफास्ट में, हेल्दी भी है, हेल्दी भी है, खाएंगे इसको फिर, तब तक फिर आखिरी रावण दिखाएंगे इसके बाद आप सभी को। गाइस फाइनली हम आ चुके पटेल नगर वाली लोकेशन पर अपनी, जो है बलजीत नगर वाली एरिया, तो भाई उधर हम आ चुके हैं। इधर का जो रावण है भाई, इधर उन्होंने कवर कर दिया है ब्लैक कलर के पेपर से इसको भाई, और ये साइज़ में कितना बड़ा है अभी आपको, ब्लैक कलर कवर हुआ है तो दिखेगा आपको। तो भाई ये देखो, ये रावण की हाइट है घाघरे की, और इस बंद को देखो कितना छोटा लग रहा है इसके आगे, लोग कितने चीटी जैसे लग रहे हैं, जैसे ये देखो मच्छर वीडियो बना रहा है वो, मच्छर लग रहा था इसके आगे, मच्छर भी नहीं वो लग रहा हूँ तिनका, तिनका लग रहा भाई, तो कितना बड़ा रावण है यार। इसका घाघरे हैं दोनों, इसको ब्लैक कवर कर दिया इन्होंने, अब ये दोनों जुड़ के पूरा प्रॉपर बड़ा घाघरा बन जाएगा। और ये है इस रावण की भाई छाती, छाती धड़ इसको दोनों चीज़ बोल सकते हैं। और भाई ये है इसके रावण की धड़ भाई, कितनी बढ़िया लग रही है, इन्होंने भाई दोनों चीज़ कवर कर दिया भाई इस रावण पे भाई, इन्होंने काम कर दिया भाई। ये मतलब 2 दिन में तो प्रॉपर रेडी कर देंगे इसको, तो ये दशहरे से 2 दिन पहले रेडी खड़ा हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई। ये इस रावण का फेस भाई, ये भाई कितना बड़ा लग रहा है, 0.5 से दिख रहा है, देखो इतना बड़ा फेस है भाई इस रावण का। अब ये तो इतनी दूर से लेना पड़ेगा तब जाके प्रॉपर आएगा, ये देखो अब दिख रहा भाई पूरा रावण का फेस और इसकी डिटेलिंग भाई, देख लो भाई जो भी आ रहा ना भाई, ये बच्चे देखो कितने पागल हो रहे हैं, देखो भाई इसका, ये देखो इसकी कितनी सही होट वोट बनाए इन्होंने बढ़िया से, नाक भी देखो इसकी, मुंह से देखो भाई पूरी राउंड करके यूं करके घुमा के बनाई इन्होंने, और कान भी बना दिए, और इसकी जूती भी रेडी कर दी भाई पीछे देखो, जूती रखी हुई है मेरी, तो भाई सब कुछ रेडी हो गया इस रावण का, प्रॉपर काम हो चुका है कम्प्लीट। तो भाई हमने आखिरी रावण आप सबको दिखाई दिया पटेल नगर वाला भी, जो कि एस ब्लॉक में पड़ता है, और अगर किसी को ना पता लगे पटेल नगर और बलजीत नगर के बीच में पड़ता है, तो दोनों में से कोई भी बोलो और खत्ते के पास आना आपको ये रावण दिख जाएगा। और भाई इसकी हाइट इस बार भाई 50 से 60 फुट होने वाली है,
पिछली बार भी इसकी हाइट थी 40 फुट या 50 फुट, पर इस बार 60 फुट होगी क्योंकि इन्होंने भाई सब कुछ बड़ा बड़ा कर दिया। छाती की हाइट बढ़ा दी, मुंह का फेस का स्ट्रक्चर बढ़ा दिया, तो भाई और घाघरा ही बहुत बड़ा कर दिया। तो इसकी भाई रावण की हाइट बहुत अच्छी है, 60 फुट तक तो जाएगा जाएगा, और ये हमेशा ही तगड़ा रावण बनाता है। और मुँह तो भाई इतना अच्छा बनाता है, उसकी डिटेलिंग वगैरह फिनिशिंग एकदम रियल मुँह लगता है कि रियल रावण खड़ा कर दियो किसी ने। तो हाँ भाई, अगर आप ये वीडियो इन्जॉय कर रहे हो घर बैठ के, तो भाई इस रावण की वीडियोज़ को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।